मध्य प्रदेश के अंग्रेज मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, मामले में जल्द ही न्याय करने की जरूरत, बच्चों को बचाने के लिए सबका साथ जरूरी। मंदसौर रेप पर बीजेपी ने की शर्मनाक राजनीति, पीड़ित परिवार से बीजेपी विधायक ने कहा, सांसद जी को धन्यवाद बोलो, परिवार से मिलने गए थे सांसद सुधीर गुप्ता। पूर्वोत्तर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मणिपुर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए टीएमसी उतारे की उम्मीदवार, कांग्रेस ने बनाया टीएमसी को समर्थन देने का मन, 2019 के बिसात बिछाने की तैयारी में कांग्रेस। पटना पहुंचे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बोला नीतीश कुमार पर हमला, नीतीश कुमार से बातचीत का कोई मतलब नहीं, तेजस्वी से मिलने की जताई इच्छा। नोटबंदी को लेकर केरल के सीएम पी विजयन का मोदी सरकार पर हमला, बोले नोटबंदी के लिए देश से माफी मांगे केंद्र सरकार। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बैठक, बीजेपी नेता बी एस येदुरप्पा भी बैठक में हुए शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस में तनातनी के बीच विधायकों पर बीजेपी ने डाले डोरे, बी एस येदुरप्पा का बयान, दोनों पार्टियों के नाराज विधायकों का बीजेपी में स्वागत है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दी पीएम मोदी और अमित शाह को चेतावनी, हिम्मत है तो हैदराबाद से चुनाव जीत कर दिखाएं शाह और मोदी। तीन तलाक के बाद निकाह हलाला और बहुविवाह को खत्म करने की तैयारी में केंद्र सरकार, निकाह हलाला प्रथा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लैंडस्लाइड से रास्ते बंद, लोगों को हो रही है परेशानी, गवर्नर ने बुलाई आपात बैठक। खराब मौसम ने अमरनाथ यात्रा में डाला खलल, जम्मू से नहीं निकला अमरनाथ यात्रियों का जत्था, कई श्रद्धालु परेशान होकर घर लौटे। सर्जिकल स्ट्राइक पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया तब भी इतने बैनर पोस्टर नहीं लगे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूसरी जाति के बारात में नाच रहे दलित की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कश्मीर में अब पत्थरबाजों की नहीं होगी खैर, पत्थरबाजों का मुकाबला करेगी सुपर 500 महिला कमांडो। पूर्व मुख्यमंत्री के बाद विधायकों पर गिरेगी गाज, विधायकों को सरकारी बंगला आवंटित करने के लिए नियम बना रही है योगी सरकार, 5 बार लगातार विधायक रहे हैं तो मिलेगा बंगला। विजय माल्या का आलिशान जेट 35 करोड़ रुपए में बिका, यूएस बेस्ड एविएशन मैनेजमेंट सेल्स ने खरीदा जेट। चीन के बाद कनाडा और अमेरिका में शुरू हुआ ट्रेड वॉर, कनाडा ने 12.6 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगाया शुल्क, पहले अमेरिका ने कनाडा समेत कई देशों पर लगाया था शुल्क। फीफा विश्व कप में आज नॉकआउट मुकाबला, फ्रांस से अर्जेंटीना की होगी भिड़ंत, दूसरे मुकाबले में उरुग्वे की होगी पुर्तगाल से टक्कर। और रणबीर की संजू बनी साल की पहली बड़ी ओपनिंग फिल्म, छप्पर फाड़ कमाई से तोड़ा सलमान खान का रिकॉर्ड, पहले दिन किया 32 करोड़ का कलेक्शन।